नमस्कार दर्शक मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है वडोदरा न्यूज नेटवर्क के ज्योतिष प्रोग्राम दैनिक राशि फल में। आज हम बात करेंगे राहु के बारे में। 23 सितंबर 2020 बुधवार के दिन प्रातः 10 बजे राहु मिथुन राशि से परिवर्तन करके वक्र गति से वृषभ राशि में प्रवेश कर रहा है तथा केतु धन राशि से वक्र गति से परिवर्तन होकर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहा है। राहु और तथा केतु की हमेशा वक्र गति होने से परिवर्तन पीछे की राशियों पर चलता है। राहु और केतु हमेशा पाप ग्रह माने जाते हैं। राहु और केतु एक राशि पर 18 महीने एक राशि पर गोचर करते हैं। इस वर्ष 23 सितंबर 2020 को प्रातः 10 बजे राहु वृषभ राशि पर तथा केतु वृश्चिक राशि पर गोचर में प्रवेश करने वाला है। राहु का जो स्वभाव है कुटिल है, राजनीतिज्ञ है, झूठ बोलने वाला है, चालबाज है तथा धोखा धड़ी करने वाला उसका स्वभाव है। यदि राहु अशुभ स्थानों पर बैठ जाए तो व्यक्ति को राजा से रंक बना सकता है। राहु व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत देता है। अनेक परेशानियों का प्रारंभ हो जाता है। राहु 3, 6 और 11 कुंडलीगत स्थानों पर होने से व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति और वैभव भी प्रदान करने वाला है होता है। राहु कुंडलीगत सिर्फ 3, 6 और 11 स्थानों पर ही शुभ फल प्रदान करता है। बाकी के स्थानों पर राहु और केतु समय अनुसार अशुभ फल प्रदान करते हैं। राहु के बुध शुक्र और शनि मित्र हैं तथा सूर्य चंद्र मंगल और गुरु ये राहु और केतु के शत्रु हैं। सूर्य और चंद्रमा ग्रहण के समय राहु केतु इनको ग्राह्य कर लेते हैं। उस समय राहु केतु से ग्रहण योग होता है। राहु केतु को एक छाया ग्रह माना जाता है। पुराणों की कथना अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में से अमृत निकलने पर पंक्ति में राहु केतु ग्रहों के साथ बैठे हुए थे, देवों के साथ बैठे हुए थे और राहु ने चालबाजी करके सूर्य और चंद्रमा के बीच जाके बैठ गया। उस समय भगवान विष्णु नारायण को मालूम चलने से राहु का सुदर्शन चक्र से सिर अलग कर दिया और धड़ अलग कर दिया, तो ऊपर का जो भाग सिर हुआ वो राहु हुआ और जो धड़ हुआ वो केतु हुआ। राहु हमेशा नकारात्मक फल देता है और केतु सकारात्मक फल देता है। जब राहु अशुभ स्थानों पर होता है तो बुद्धि विवेक मान सम्मान व्यक्ति का चला जाता है। उसकी सोच समझ शक्ति चली जाती है। वो क्या करने वाला होता है और वो क्या कर बैठता है वो राहु उसकी राह बिगाड़ देता है। व्यक्ति की मानसिक भ्रमणा राहु से होती है। उसके निर्णय राहु होने से गलत हो जाते हैं। राहु अनेक कारणों वशात व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाता है। तो आज जानते हैं राहु 18 महीने किस किस राशि पर क्या क्या फल देने वाला है और उसके उपाय क्या क्या हम करें जिससे हमको राहु अशुभ फल प्रदान ना करें। तो प्रारंभ करते हैं राहु का फल प्रत्येक राशि पर। तो प्रारंभ है मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए इस बार द्वितीय स्थान पर राहु आने वाला है।
द्वितीय स्थान पर राहु होने से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक पीड़ाएं प्रारंभ हो जाती है। राहु कुटुंबीजन तथा पारिवारिक व्यक्तियों से विचार भिन्नता तथा सामान्य मतभेद पारिवारिक हो सकते हैं। द्वितीय स्थान पर राहु होने से गले, कान में तथा आंख में पीड़ा रह सकती है। कोई व्यवसाय में अथवा कार्य क्षेत्र में जल्दीबाजी में निर्णय ना लें और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। सामान्य इस वर्ष आर्थिक नुकसानी हो सकती है, जिससे द्वितीय स्थान पर राहु आपका गोचर कर रहा है तथा कुछ आर्थिक व्यवहार, लेन देन का व्यवहार सोच समझकर सावधानी पूर्वक करें। किसी व्यक्ति को उधार ना दें तथा आर्थिक संकट इस वर्ष आपके ऊपर रह सकते हैं, जिससे मेष राशि के जातकों के लिए हनुमान जी की उपासना आप करें। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले हनुमान जी का 11 बार नाम लेकर कार्य की शुरुआत करें, जिससे आपको राहु की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातकों के लिए इस वर्ष स्वयं की राशि वृषभ राशि पर से राहु गोचर करने वाला है। वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र, और शुक्र और राहु का जब मन राहु की उसमें गोचर करेगा, तब वृषभ राशि के लिए संवैधानिक चेतावनी इस वर्ष रहेगी। मान सम्मान इस वर्ष कुछ गुमाना पड़ सकता है। थोड़ा अपना आचरण में ध्यान रखें, कोई भी ऐसा गलत आचरण ना करें जिससे आपको मान सम्मान की हानि हो सकती है। कोई लांछन इस वर्ष आपको लग सकता है, जिससे अपना आचरण संभाल कर रखें। मन थोड़ा इस वर्ष रोमांटिक आपका रह सकता है। इस वर्ष प्रेम, आकर्षण, प्रीति भी थोड़ा रह सकता है। विजातीय आकर्षण इस वर्ष आपके बन सकते हैं। आपका सामान्य मन भ्रमित रहेगा। कोई निर्णय इस वर्ष महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, निर्णय आपके गलत साबित होंगे। निर्णय लेने में रुकावटें बहुत आएंगी और निर्णय जो भी लोगे इस वर्ष आपका राहु होने से गलत निर्णय जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको निर्णय लेने के बाद में पछतावा आपको हो, इसलिए कोई भी कार्य आज इस वर्ष राहु के चलने पर सोच समझकर कार्य करें और किसी व्यक्ति की सलाह लेकर कार्य करें और धैर्य पूर्वक कार्य करने से आपको सफलता मिलेगी। वृषभ राशि का राहु होने से ओम राहवे नमः प्रतिदिन एक माला का आप जप करें। महादेव के मंदिर में जाकर प्रत्येक बुधवार के दिन काले तिल महादेव पर अर्पण करें। ओम राहवे नमः इस मंत्र से भगवान महादेव को काले तिल अर्पण करें। ओम नमः शिवाय बोलकर भी भगवान को काले तिल अर्पण करें। यह कार्य करने से राहु की परेशानियों से आप मुक्त रह सकते हो। आपको बुधवार का दिन उपवास तथा व्रत करने से राहु की परेशानियों में से आपको मुक्ति मिल सकती है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु द्वादश स्थान पर और केतु षष्ठम स्थान पर से गोचर कर रहा है। राहु बेवजह आपकी मानसिक चिंताओं को बढ़ाएगा। सामान्यतया कार्य में विलंब तथा रुकावट और संघर्ष देगा। विरोधी शत्रु आपके कार्य में रुकावट तथा अड़चन डाल सकते हैं, जिससे आपको कोई व्यवहार आपका बिगड़े नहीं। इस वजह आपको थोड़ा सामान्य इस वर्ष मीठा बोलकर कार्य को निकालना है। शत्रु विरोधी आपके कार्य में रुकावट तथा अड़चन डालेंगे और बेवजह यात्रा के प्रवास कार्य होंगे जो आपका समय बर्बाद करेंगे। व्यर्थ यात्रा और प्रवास तथा मुसाफरी इस वर्ष रहेगी। व्यवहार थोड़ा बिगड़ेगा
नए मित्रों और व्यक्तियों से मुलाकात होगी, लेकिन व्यवहार आप सावधानी पूर्वक आपको करना रहेगा, नहीं तो किसी व्यक्ति से मन दुख, मन मुटाव और व्यवहार आपका बिगड़ सकता है। सामान्य शत्रु और विरोधी पक्ष आपको हैरान करेंगे इस वर्ष, इसलिए धैर्य रखकर और मन को शांत रखकर कार्य करना है। मिथुन राशि पर द्वादश स्थान पर राहु होने से राहु की परेशानियों से मुक्त होने के लिए आप कुत्ते को बिस्कुट खिलाएं और दूध पिलाना प्रारंभ करिए, जिससे राहु की परेशानी में से आप मुक्त हो सकोगे। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए इस वर्ष राहु आपके एकादश स्थान पर से प्रवेश करेगा और केतु पंचम स्थान से गोचर करेगा। राहु एकादश स्थान पर होने से आपको अनेक आर्थिक लाभ इस वर्ष राहु दिलाएगा। मन खुश रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, आनंददायक दिन रहेंगे। जो आप 2019 से जो चिंताओं से, व्याधियों से आप चल रहे थे, उन चिंताओं से, उन व्याधियों से इस वर्ष आपको मुक्ति मिलेगी। कार्य में सफलता आपको मिलेगी, नया कार्य आप प्रारंभ कर सकते हो। व्यापार में, कार्य क्षेत्र में धन लाभ रहेगा। सामान्यतया मेहनत इस वर्ष आपको अधिक करनी पड़ेगी। प्रवास और यात्राएं व्यवसाय को लेकर बहुत अधिक होंगी, लेकिन आपके इस वर्ष आर्थिक लाभ और धन लाभ बहुत अच्छे रहने वाले हैं। व्यवसाय में उन्नति और प्रगति इस वर्ष रहेगी। पंचम स्थान पर केतु होने से विद्यार्थी मित्रों को सामान्य विद्या अभ्यास में रुकावट और अड़चन तथा संघर्ष रह सकता है। विद्यार्थी बंधुओं के लिए इस वर्ष अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। कर्क राशि के लिए, कर्क राशि जातकों के लिए विद्या अभ्यास जो विद्यार्थी वर्ग कर रहे हैं उनको सामान्य संघर्ष रह सकता है। थोड़ा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, विद्याभ्यास में मन नहीं लगेगा, मन भ्रमित रहेगा। सामान्य पढ़ाई के बारे में आपको थोड़ा आलस भी आ सकता है। मन मुताबिक परीक्षाओं में इस वर्ष थोड़ा रुकावट तथा संघर्ष रहेगा, जिससे विद्यार्थी वर्ग व्यक्तियों के लिए राहु का उपाय अवश्य करें। राहु के उपाय में सरसों का तेल का दीपक बुधवार के दिन जलाएं और बुधवार के दिन काले कपड़े तथा उड़द और सरसों का तेल तथा पकौड़ी तली हुई भजिए बना के किसी व्यक्ति को दान करें तथा नवग्रहों की पूजा में राहु का मंत्र ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सह रावे नमः प्रत्येक दिन एक एक माला जप करें, जिससे राहु की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए राहु उनके दसवें स्थान पर से तथा केतु चतुर्थ स्थान पर से गोचर करने वाला है। दसम स्थान पर से गोचर करने पर व्यवसाय में तथा कार्य क्षेत्र में अनेक रुकावट तथा संघर्ष में रहेगा। आपके बॉस अथवा कोई कलिंग व्यक्ति के साथ में थोड़ा मन दुख तथा मन मुटाव हो सकता है, जिससे वाणी पर आपको संयम रखना है अवश्य है। कार्य क्षेत्र को लेकर इस वर्ष अधिक मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जितना मेहनत करोगे उतना ही आपको सफलता इस वर्ष राहु की वजह से मिलेगी। केतु चतुर्थ स्थान पर होने से वाहन तथा कोई प्रॉपर्टी में जल्दी इन्वेस्टमेंट ना करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। मित्रों से तथा
मित्रों से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। माता तथा पिता का शारीरिक तकलीफ ईश्वर सह सकती है। आपको सिंह राशि वाले व्यक्तियों को पेट, पीठ और कमर में सामान्य पीड़ा, शारीरिक पीड़ा आपको रह सकती है। दशम स्थान पर राहु होने से व्यवसाय में अथवा कार्य क्षेत्र में अथवा नौकरी में इस वर्ष कोई परिवर्तन हो सकता है। नौकरी में तथा व्यवसाय में थोड़ी सामान्य असफलता इस वर्ष रहेगी। रुकावट तथा अड़चन रहने का योग है, जिससे राहु आपको दशम स्थानों पर होने से व्यवसाय संबंधी चिंताएं आपको रखेगा। बुधवार के दिन आपको जौ, साबुत जौ 100 ग्राम लेके उसको दूध में धोके पानी में बहाने का है, जिससे तथा बुधवार का व्रत और उपवास इस बार बुधवार का व्रत तथा उपवास करें, जो राहु की परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए, यदि कोई व्यवसाय में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ध्यान पूर्वक कार्य करें। लाभ रहेगा, लेकिन विचार पूर्वक निर्णय आपको लेना है। सोच समझ कर निवेश करें, क्योंकि दशम स्थान पर राहु होने से आपके व्यवसाय संबंधी कार्यों में निर्णय थोड़े गलत साबित हो सकते हैं, जिससे आपको राहु का उपाय इस वर्ष अवश्य कर के कार्य का प्रारंभ करें। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए राहु आपके नवम स्थान पर तथा केतु तृतीय स्थान पर से गोचर भ्रमण करेगा। तृतीय स्थान पर केतु होने से साहसिक कार्य तथा पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन सामान्य नवम स्थान पर से राहु गोचर भ्रमण करते हुए आपको अनेक पारिवारिक तथा कुटुंबी जन तथा सामान्य शारीरिक तकलीफ आपको दे सकता है। कमर, घुटन तथा पेट संबंधी तकलीफ आपको राहु देगा। कार्य में थोड़ा सामान्य विलंब और रुकावट और संघर्ष आपको दे सकता है। भाग्योदय में सामान्य प्रगति थोड़ा मध्यम इस वर्ष रहने का योग है। प्रवास तथा यात्राएं कोई कार्य वशात आपकी हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर इस वर्ष आपको लेना है। पराक्रम तथा साहस में वृद्धि होगी। पारिवारिक तथा कुटुंबी जनों के साथ थोड़ा मानसिक तनाव तथा मन दुख इस वर्ष आपको रह सकता है। कन्या राशि के विद्यार्थी वर्ग के लिए विद्या अभ्यास में रुकावट तथा अड़चन और संघर्ष रहेगा। जो विद्यार्थी कॉलेज में हैं अथवा अपनी अंतिम विद्याभ्यास की डिग्री पूरी कर रहे हैं, उनको अवश्य इस वर्ष थोड़ा रुकावट तथा संघर्ष रहेगा, जिसे ध्यान पूर्वक विद्या अभ्यास में मन लगाकर पढ़ाई अवश्य करें तथा राहु का इस वर्ष उपाय करें। ओम राहवे नमः इस मंत्र की प्रत्येक दिन एक एक माला अवश्य करें, जिससे विद्यार्थी बंधु वर्ग को पढ़ाई में तथा विद्या अभ्यास में सफलता मिलेगी। मन से जो बेचैनी तनाव अवस्था रहेगी, वो राहु का उपाय करने से वो दूर होगी, जिसे कन्या राशि वाले जातकों के लिए ओम राहवे नमः इस मंत्र का जप अवश्य प्रतिदिन एक एक माला करें। तुला राशि के जातकों के लिए राहु अष्टम स्थान से गोचर करेगा तथा केतु द्वितीय स्थान से गोचर करने वाला है, जिससे आपको केतु द्वितीय स्थान पर से गोचर होने से पारिवारिक तथा कुटुंबी जन व्यक्तियों के साथ में मन मुटाव तथा मन दुख हो सकता है। आर्थिक नुकसानी इस वर्ष आपको रह सकती है, जिससे कोई भी बड़ा लेन देन का व्यवहार आप सोच समझ कर करें।
पारिवारिक उलझनों से आपको इस वर्ष परेशानी रह सकती है। आँख कान गले में तथा मन थोड़ा आपका भ्रमित रह सकता है। किसी व्यक्ति से कटु वाक्य बोलने पर वाद विवाद हो सकता है। कोई भी आर्थिक व्यवहार आप सोच समझ कर इस वर्ष करना है। किसी व्यक्ति को उधार नहीं देना है और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इस वर्ष आपको नहीं करना है, क्योंकि तुला राशि के जातकों के लिए आठवां राहु और द्वितीय स्थान से केतु का गोचर भ्रमण अनेक परेशानियों में आपको डाल सकता है। धन की हानि हो सकती है तथा पारिवारिक तथा कुटुंबी जन व्यक्तियों के साथ में वाद विवाद तथा मन दुख जैसी परेशानी आपको मिल सकती है तथा कटु वाक्य व्यवहार किसी से ना करें। कटु वाक्य बोलने से आपका व्यवहार इस वर्ष आपका बिगड़ सकता है, जिससे राहु का उपाय बुधवार के दिन आप बंदरों को चने खिलाना प्रारंभ करिए तथा कुत्तों को बिस्कुट और दूध पिलाना प्रारंभ करिए। कुत्तों को बिस्कुट खिलाएं और कुत्तों को दूध पिलाएं, जिससे आपको राहु की परेशानियों में से इस वर्ष मुक्ति मिलेगी। राहु का उपाय करके आप कार्य का प्रारंभ करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रथम स्थान से गोचर केतु का हो रहा है और सप्तम स्थान से राहु का गोचर भ्रमण हो रहा है। केतु प्रथम स्थान पर वृश्चिक राशि पर होने से आपके निर्णय गलत हो सकते हैं, इसलिए सोच समझकर आपको निर्णय लेना है। किसी व्यक्ति की सलाह पर आप अच्छे व्यक्ति की सलाह पर आप काम करना आपके लिए इस वर्ष जरूरी बन सकता है। यदि आप स्वयं निर्णय लेंगे तो 100% आपका निर्णय गलत ही जाएगा और बाद में आपको पछतावा हो सकता है, क्योंकि राहु मन को भ्रमित करता है। मन में अनेक विचार इस वर्ष आपके रहेंगे जो आपको नकारात्मक मार्ग में ले जाएंगे, जिससे आपको कोई भी निर्णय लेना हो तो सोच समझ कर इस वर्ष आपको निर्णय लेना है। अपने जीवन साथी, यदि आप वैवाहिक जीवन में हैं तो आपके पति पत्नी में सामान्य मतभेद और विचार भिन्नता रहेगी, क्योंकि राहु व्यक्तियों में कलह करवाता है। आपके सप्तम स्थान पर से राहु भ्रमण करने से पति पत्नी में वाद विवाद अथवा आप व्यवसाय में कार्य क्षेत्र में कोई भागीदारी कर रहे हैं तो उस भागीदारी में आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इस वर्ष पार्टनरशिप करें। पार्टनरशिप में आपको नुकसानी हो सकती है। मन में थोड़ा बेचैनी रहेगी और गुस्सा उद्वेग रहेगा, जिससे अपने गुस्से पे आप शांत रखें और धैर्य रखकर कार्य करें। कटु वाक्य बोलने से आपके भागीदार पार्टनरशिप तथा किसी व्यक्ति के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। मन में अनेकों नकारात्मक ख्याल आएंगे, लेकिन मन को शांत रखकर सावधानी पूर्वक धैर्य रखकर इस वर्ष आपको कार्य करना है। व्यवसाय संबंधी बातों में पार्टनरशिप इस वर्ष ना करें। यदि आप पार्टनरशिप करोगे तो अवश्य इस वर्ष आपको पार्टनर किसी कार्यवशात आपको धोखा दे सकता है, इसलिए पार्टनरशिप करने से पहले किसी व्यक्ति की सलाह लेकर कार्य करें। और राहु का उपाय बुधवार के दिन किसी व्यक्ति को काले कंबल दान में करें तथा ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः का प्रतिदिन एक माला जप अवश्य करें। राहु का दान तथा जप करने से इस वर्ष आपको अनेक चिंताओं से व्याधियों से आपको परेशानी से मुक्ति मिलेगी। धनराशि। धनराशि के जातकों के लिए केतु आपके द्वादश स्थान पर से भ्रमण करेगा तथा राहु
आपके षष्ठम स्थान से गोचर में भ्रमण कर रहा है। राहु आपके षष्ठम स्थान ऊपर से पराक्रम तथा साहस में वृद्धि करेगा। आप साहसिक कार्यों में महत्वपूर्ण निर्णय इस वर्ष आप ले सकोगे। षष्ठम स्थान पर राहु होने से व्यवसायिक तथा कार्य क्षेत्र में आपको आर्थिक लाभ बहुत देगा। राजकीय पक्ष से भी आपको आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। विरोधी थोड़ा आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप सतर्क रहे तो आपको कार्य में इस वर्ष अच्छी सफलता मिलेगी। उन्नति और प्रगति के योग इस वर्ष बहुत अच्छे हैं। षष्ठम स्थान पर राहु होने से सामान्य आपको घुटन तथा पैर में सामान्य पीड़ा रहने का भी योग आपको रह सकता है। व्यवसाय में तथा कार्य क्षेत्र में इस वर्ष बहुत अच्छी प्रगति रहेगी, धन लाभ रहेगा और आर्थिक समस्याएं आपकी दूर रहेगी। मानसिक चिंताओं से इस वर्ष आपको मुक्ति मिलेगी। सामान्य शनि की 7.5 आप पर चल रही है, जिस वजह से शारीरिक पीड़ा आपको रह सकती है। मानसिक तनाव तथा बेचैनी शनि की वजह से रह सकता है, जिससे आपको शनि का उपाय इस वर्ष करना जरूरी है। राहु आपको शुभ फल इस वर्ष प्रदान करेगा। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए राहु पंचम स्थान से गोचर भ्रमण करेगा तथा एकादश स्थान ऊपर से केतु भ्रमण करने वाला है, जिससे सामान्यतया इस वर्ष आप विजातीय आकर्षण में रहेंगे। सामान्य यदि आप युवान अवस्था में हैं तो आपके प्रेम प्रसंग भी इस वर्ष बन सकते हैं। विद्याभ्यास व्यक्तियों के लिए पढ़ाई में थोड़ी रुकावट तथा अड़चन इस वर्ष आ सकती है, लेकिन वाद विवाद रहेगा, जिससे किसी व्यक्ति के साथ आप वाद विवाद से बचें। मन में थोड़ा क्रोध और गुस्सा राहु की पंचम स्थान ऊपर से राहु गोचर होने से गुस्सा तथा उद्वेग और उच्चाट रहेगा, जिससे मन को शांत रखें और धैर्यपूर्वक कार्य करें। आर्थिक लाभ केतु की वजह से इस वर्ष आपको आर्थिक लाभ रहेगा, लेकिन पंचम स्थान पर राहु आपको अनेक परेशानियों में डाल सकता है। सामान्य लांछन अपमान और मान सम्मान की हानि आपके ऊपर हो सकती है, जिससे अपना आचरण व्यवस्थित रखें। अपना आचरण खोने पर आप अनेक परेशानियों में आ सकते हो, जिससे राहु का उपाय आपको करना जरूरी है। और शनि की 7.5 आप पर चल रही है, तो शनि का उपाय भी आप जरूर अवश्य करें। ओम राहवे नमः प्रतिदिन एक माला जप अवश्य करें तथा कुत्तों को दूध और बिस्कुट खिलाएं। शनि की 7.5 से आपको तकलीफें चल रही हैं, उस शनि का उपाय ओम शम शनिश्चराय नमः प्रतिदिन एक माला जप अवश्य करें। मकर राशि पर सामान्य उद्वेग उच्चाट और गुस्सा रहने से आपके मित्रों से कलह तथा मन दुख और मन मुटाव हो सकता है। पारिवारिक समस्याएं तथा कुटुंबी जनों के साथ वाद विवाद हो सकता है, जिससे आप अपने गुस्से पर काबू रखें और धैर्यपूर्वक कार्य करें। सामान्य इस वर्ष आपको आलस भी बना रह सकता है, जिससे मन को एकाग्र रखकर कार्य करें और धैर्यपूर्वक कार्य करें। और शनि और राहु का उपाय अवश्य करें, जिससे आपको शनि और राहु की दशा से जो चल रही है उससे आपको मुक्ति मिले और परेशानियों से आप मुक्त हो। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए दशम स्थान पर से केतु का गोचर भ्रमण तथा चतुर्थ स्थान पर से राहु का गोचर भ्रमण इस वर्ष आपको रहेगा। राहु केतु व्यवसाय कर्म भुवन तथा मकान मिलकत के स्थान पर से गोचर भ्रमण करने से
आपको व्यवसाय संबंधी तकलीफें आपको इस वर्ष हो सकती है। व्यवसाय में तथा कार्य क्षेत्र में सामान्य रुकावट तथा संघर्ष इस वर्ष आपको रह सकता है। व्यवसाय में तथा कार्य क्षेत्र में नौकरी में परिवर्तन के इस वर्ष योग हैं। आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हो इस वर्ष, लेकिन सामान्य कोई भी विचार, व्यवसायगत विचार सोच समझ कर निर्णय इस वर्ष आपको लेना है। मकान या कोई प्रॉपर्टी या मिलकत में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सावधानी पूर्वक आपको करना है, क्योंकि चतुर्थ स्थान पर से राहु का भ्रमण आपको धोखाधड़ी तथा प्रॉपर्टी में आपको नुकसान दिला सकता है। प्रॉपर्टी में आपको धोखाधड़ी तथा मकान तथा व्यवहार संबंधी कार्यों में आपको तकलीफ हो सकती है। वाहन में, मकान में अथवा कोई प्रॉपर्टी, कोई नया इन्वेस्ट जमीनगत आप कर रहे हो तो सोच समझकर आपको निर्णय लेना है। पेट, पीठ और कमर जन्य पीड़ाएं इस वर्ष आपको रह सकती हैं। कुंभ राशि जातकों के लिए कमर तथा पीठ और पेट और हार्ट, क्योंकि दशम स्थान जो होता है वो हार्ट का भी होता है, तो हृदय संबंधी शारीरिक पीड़ा आपको इस वर्ष रह सकती है। शनि की 7.5 आप पर चल रही है, जिससे शनि की 7.5 और राहु का भ्रमण आपको अनेक तरह की पीड़ा आप पर दे सकता है, जिससे आप शनि का उपाय तथा राहु का उपाय आप अवश्य करें। बुधवार के दिन काले कंबल किसी व्यक्ति को दान करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम राहवे नमः का प्रतिदिन एक माला जप अवश्य करें। प्रतिदिन जप करने से राहु तथा शनि की पीड़ा से आप मुक्त हो सकते हो। राहु शनि आपके व्यवसायगत कार्य में तथा पारिवारिक कुटुंबी जनों के साथ मतभेद कर सकता है। राहु आपका चतुर्थ स्थान पर तथा केतु आपके दसवें स्थान पर से आपको व्यवसाय संबंधी तथा कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में आपको अनेक रुकावटें और संघर्ष इस वर्ष हो सकता है, जिससे आप शनि का और राहु का उपाय अवश्य इस वर्ष करें और कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच समझ कर निर्णय ले सकें। मित्रों से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है और घर में इस वर्ष कलह का वातावरण बन सकता है, जिससे राहु और शनि का उपाय अवश्य करें। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए तृतीय स्थान पर से केतु का गोचर भ्रमण तथा नवम स्थान से राहु का भ्रमण आपको सकारात्मक फल प्रदान करेगा। इस वर्ष आपका आनंदमय दिन रहेगा, आनंदमय वर्ष रहेगा। परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक तथा कुटुंबी जन व्यक्तियों के साथ प्रेम संबंध तथा मधुर संबंध बन सकते हैं। आर्थिक लाभ बहुत अच्छा रहेगा। इस वर्ष आपको भागीदारी में, साझेदारी में उन्नति और प्रगति रहेगी। धन लाभ इस वर्ष अच्छा रहेगा। जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं है उसको नौकरी इस वर्ष मिल सकती है। व्यवसाय में अच्छी सफलता मिल सकती है। जो व्यक्ति विरोधियों से परेशान हो रहा है, इस वर्ष उसको विरोधी उसके दूर हो सकते हैं और सकारात्मक फल उसको मिलेगा। कोर्ट केस में तथा सभी कार्यों में उसको सफलता अवश्य इस वर्ष मिलेगी। नए मित्रों से मिलकर नई योजना बनेगी और कारोबार में, व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ इस वर्ष रहेगा। आर्थिक समस्याएं दूर होगी और भाग्य आपका इस वर्ष साथ देगा। तो दर्शक मित्रों, ये था 18 महीने 11 अप्रैल 2020 तक राहु का 12 राशियों से गोचर भ्रमण। हर दर्शक मित्रों को नमस्कार।